टूट कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा ठेकुआ। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ठेकुआ। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ठेकुआ के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए आटा। मैंने लिया 1 कप आटा, 1/4 कप चीनी, इलायची पाउडर, आधा कप दूध, आधा कप नारियल, सूखा नारियल मैंने कद्दूकस कर रखा है, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच सौंफ। अब हम 1 बर्तन में ये आटा डाल देंगे और इसमें इलायची पाउडर, सौंफ, घी, इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। घी अच्छा से मिक्स करना है। ये देखिए आटा मुट्ठी बन रहा है, हमारा मोयन सही है। अब हम इसमें ये सूखा नारियल डाल देंगे और ये पीसी चीनी भी डाल देंगे और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर के दूध तैयार करेंगे। इसको गूंथना नहीं, बस के लिए हाथ से इस तरह करना है। इसको गीला भी नहीं करना है, थोड़ा सा सूखा सूखा रहेगा। डो इस तरह बनाना है, ज्यादा गीला नहीं करना है। डो हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए 1/2 कप दूध बन लिया था, इसमें और 2 चम्मच दूध बच गया है। डू भी अच्छा से सेट हो चुका है। अब हम ठेकुआ बनाएंगे। थोड़ा सा आटा लेंगे, ऐसे हाथ में गोल कर देंगे, ऐसे चपटा कर देंगे। और फॉर्क से ऐसे डिजाइन बना देंगे। ये देखिए ये एक डिजाइन हो गया और एक डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह पत्ता बनाना है, चाकू से बीच से ऐसे कट लगा देंगे। ये देखिए एक पत्ता सेप हो गया। और एक शेप दिखा दी हूँ।
इस तरह भाग से कर देंगे, दोनों तरफ ऐसे कर देंगे। ये देखिए एक डिजाइन हो, और एक डिजाइन दिखाती हूँ। देखिए चम्मच से ऐसे ये देखिए ये तो डिजाइन हो गया। इसी तरह हम सारा ठेकुआ बना लेंगे। मैंने चार डिजाइन में ठेकुआ बनाए इस तरह। एक पत्ता का ये देखिए इस तरह। अब हम इसको फ्राई करेंगे। गैस पर एक कढ़ाई में तेल रख दिया है, गैस ऑन कर दिए, तेल गर्म हो चुका है। अब हम ये ठेकुआ फ्राई करेंगे। फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे। अब हम इसको पलट देंगे। बीच बीच में इसे पलटते रहे। फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे। देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। और इसको भी फ्राई कर लेंगे। फ्लेम अभी स्लो है। अब हम इसको पलट देंगे। फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए ठेकुआ तैयार हो चुका है। मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर दिया। आप ये ठेकुआ जरूर एक बार घर पर बनाइए, खाइए। ये खाने बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।